Hi guys, welcome back to the channel Shupra Mishra. This is Shupra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स के बारे में. तो कहते हैं ना, बुक्स आपकी एक्चुअली बहुत अच्छी दोस्त होती हैं. सच बताऊं तो सच है ये. मैंने 2020 से बुक्स में, मतलब मैं हमेशा से एक बहुत ही एक्सटेंसिव रीडर तो रही हूँ, पर 2020 से मैंने बुक्स के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था, खास करके लॉकडाउन का जो फेज था उसके अंदर. तो कुछ ऐसी बुक्स मैंने पढ़ी हैं जिन्होंने मेरा नजरिया जो है जिंदगी को लेकर वो काफी बदल दिया. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले पांच ऐसी किताबों के बारे में जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जिन्होंने मुझे बहुत बड़े लाइफ लेसन्स दिए और ये शायद आपके लिए भी बहुत बड़े लाइफ लेसन्स हो सकते हैं. सो कीप ऑन वॉचिंग. सो सबसे पहली बुक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग. सो बेसिकली ये जो बुक है, ये मैंने एक्चुअली इसके बारे में काफी ज्यादा बार बात की है और ये बुक मैंने 2020 के अंदर ही पढ़ी थी. 2020 एक ऐसा दौर था जिसके अंदर सारे के सारे लोग किसी ना किसी तरीके की ओपिनियंस किसी ना किसी को दे ही जा रहे थे. ये बुक जो है ये यही कहना चाहती है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों का काम तो डेफिनेटली कहना है और लोगों का जो डेफिनेशन है सक्सेस का, हैप्पीनेस का, या उनका जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इनफैक्ट आपको नो कहना सीखना चाहिए और अपना खुद का एक परसेप्शन जो है चीजों को लेकर वो आपको फॉर्म करना चाहिए. द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ आपको यही सिखाता है कि किस तरीके से आपका जो कह सकते हैं किसी चीज को देखने का नजरिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि लोग उसे कैसे देखते हैं. इनफैक्ट कभी कभी तो लोग जो आपके बारे में सोचते हैं आप उससे ही, उनकी ही आंखों से अपने आप को भी देखने लगते हैं. ऐसा ही कुछ मेरे साथ 2020 के अंदर हुआ था. ये बुक ने मेरा परसेप्शन इस तरीके से चेंज कर दिया कि मुझे ये अपने आप पे कहने पे मजबूर कर दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाऊं, मुझे जो करना है, जो मुझे खुशी देता है, जो मेरा डेफिनेशन है सक्सेस का, जो मेरा डेफिनेशन है मेरा, मैं उसे परसीव करूंगी, मैं उसे वैसे परसीव करूंगी, मैं उसे फॉलो करूंगी. So, ये एक बुक ऐसी है जो आपको आपकी तरह, आपके डेफिनेशंस, आपके स्टैंडर्ड्स पे जीने की आजादी देती है. कभी आपने सोचा है कि आपके सोचने से आप बन जाते हो? मतलब जिंदगी का एक असूल है और वो है बिलीफ. लॉ ऑफ लाइफ इज लॉ ऑफ बिलीफ, वो कहती है हमारी सेकेंड बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ये जो बुक है, ये बुक में बताया गया है किस तरीके से आपके थॉट्स जो है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपको शेप करते हैं. आप कैसा सोचते हो वो एक्चुअली आपको शेप करता है. तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपका बॉडी नेगेटिव हो जाता है, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपका बॉडी जो है वो पॉजिटिव कह सकते हैं एक्शन या आउटकम्स दिखाता है. इनफैक्ट आपकी लाइफ के अंदर भी वही चीजें होती हैं. बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं कि वो अपने आप से जब सेल्फ टॉक करते हैं तो वो नेगेटिव बातें करते हैं, और मैं भी उनमें से एक थी. जब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ये मुझसे नहीं होगा, या मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, एंड लिटरली उसके बाद में वो कमांड के जैसे काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, एंड आप फील करने लग जाते हो. आप सुबह उठो और आप अपने आप को ये बोलो कि यार आज तो मेरी नींद ही कंप्लीट नहीं हुई है, आज मुझे अजीब फील हो रहा है. आपको लिटरली पूरे दिन ड्राउजी फील होगा, आपको ऐसे लगेगा कि सच में मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, और आपको आलसी फील होगा. बिकॉज आप जिस तरीके से अपने आप से बात करते हो, आप जिस तरीके की कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो, वो एक्चुअली वही जी साहब ऐसे करके और काम करने लग जाता है. तो ये बुक जो है इसने एक्चुअली काफी ज्यादा चेंज कर दिया मैं जैसे सोचती थी उस परसेप्शन को, क्योंकि अगर मुझे सोचना ही है तो मैं पॉजिटिव क्यों ना सोचूं. अगर मुझे सोचना ही है कि मेरे साथ क्या होगा, या मेरी लाइफ के अंदर, या मेरे पैसे के बारे में, या करियर के बारे में, या आपके बारे में, तो मैं पॉजिटिव क्यों ना सोचूं, मुझे नेगेटिव क्यों सोचना चाहिए. सो यस, ये बुक आपको बताती है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव कमांड देनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि जब मुझे बात ही करनी है अपने आप से तो मुझे पॉजिटिव बात करनी चाहिए. इसने मुझे एज अ पर्सन बदल दिया. मैं एक पेसिमिस्टिक पर्सन से ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इस बुक की वजह से हुई. यार गोल्स किसके नहीं होते? मतलब हम लोग यही तो सोचते रहते हैं ना, आज हमें ये चाहिए, कल हमें वो चाहिए, और हम लोग गोल्स सेट करते हैं. पर कितने लोग हैं जो इन गोल्स को अचीव कर पाते हैं? पता है बहुत सारे लोग तो इन गोल्स के काफी करीब पहुंचकर भी हार मान जाते हैं ये सोचकर कि उनसे नहीं होगा, क्योंकि उनका अप्रोच ही गलत है. हमारी थर्ड बुक जो कि है एटॉमिक हैबिट्स, वो हमें यही बताती है. ऑथर कहते हैं कि आपका फोकस गोल से ज्यादा उसके प्रोसेस पे होना चाहिए. हमें गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे हैबिट्स बनाने चाहिए, ऐसे हैबिट्स जो चाहे कितने भी छोटे हो पर इतने इफेक्टिव हो कि वो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे गोल के करीब ले जाए. इसे ऐसे देखिए जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको टॉप करना है, आपका मनचाहा कॉलेज चाहिए,
तो उस कॉलेज को हासिल करने के लिए, वो ग्रेड हासिल करने के लिए या बैंड हासिल करने के लिए आपको कौन से हैबिट्स हैं जो आपको लगता है बनाने चाहिए, जो इफेक्टिव हो सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं। वो कितने भी छोटे हैबिट्स हो सकते हैं पर उनका इम्पैक्ट जो है वो काफी बड़ा आएगा, काफी लॉन्ग टर्म आएगा। तो यार आखिरकार इन छोटी छोटी आदतों को आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर कर और बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हो, बड़े गोल्स अचीव कर सकते हो, ये सीखो इस बुक एटॉमिक हैबिट से, देश के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू FM पर, जो कि एक मेड इन इंडिया ऐप है विद 4.5+ रेटिंग्स। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो 4,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स में से, और सुन सकते हो कभी भी और कहीं भी, वो भी रीजनल लैंग्वेज में। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और कुकू FM ऐप को डाउनलोड कीजिए। और यही नहीं, फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स को मिल रहा है 50% डिस्काउंट। दैट मीन्स आप पूरे साल भर कुछ तो नया सीख सकते हैं, वो भी ₹199 में। अप्लाई कीजिए कोड शिप्रा50। यार मैंने ना लाइफ में बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। दैट मीन्स एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और आपको पता है कि जब अगर आपको कुछ भी और ज्यादा अचीव करना होता है, अगर आपको एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप आते हो और आपको अपने ड्रीम्स अकम्प्लिश करने होते हैं, तो आपको लाइफ में थोड़ा ज्यादा जल्दी शुरू करना होता है। तो मैंने पैसा कमाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था क्योंकि मैंने पढ़ाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। पर एक चीज जो मैंने थोड़ा हार्ड वे सीखी वो ये थी कि मेरे लिए इन्वेस्टिंग और इस पैसे को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगी कि आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, एक अच्छी एज से ही शुरू कर देना चाहिए, छोटे छोटे तरीके से या कहीं से भी पैसा कमाना, जो कि जिससे ना तो सिर्फ आप सीखो, आप कुछ भी, अगर आपका पॉकेट मनी भी उससे आता है तो दैट इज ऑलवेज गुड। बट आपको पता है पैसा कमाना चाहे कितना भी हो, उससे ज्यादा जरूरी होता है उस पैसे को प्रोटेक्ट करना। मैं सेव नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी उसे प्रोटेक्ट करना, उसे बचाना। क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन आप पैसा कमाते हो उस दिन आपके पास में 100 तरीके की नीड्स होती हैं और आप उन्हें वहां लगा देते हो और वो पैसा वहां चला जाता है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो आपकी लाइबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इनिशियल स्टेज ऑफ माई लाइफ में मैंने वही ही किया, और उसकी वजह से चाहे मैंने कितना भी पैसा जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमा लिया होगा, शायद अगर मैं वो पैसे को बचा के रखती, आज अगर मैं उस पैसे की बात करती, तो शायद वो पता नहीं क्या बन चुका होता। सो अभी हमारी फोर्थ बुक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक हमें ये बताती है कि किस तरीके से पैसे कमाने से लेकर पैसे प्रोटेक्ट करने की जो जर्नी होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होती है। क्योंकि एम यहां पर रिच दिखना नहीं होता, एम यहां पर आपका वेल्थ क्रिएशन होता है। आप जो पैसा कमाते हैं आप उससे कितने एसेट्स क्रिएट करते हैं वो ज्यादा जरूरी है बजाय लायबिलिटी के। आपको ऐसा लगता तो है कि आप कोई फैंसी चीज लेकर यू नो रिच लग रहे हैं या रिच हो गए हैं, बट वो कितनी लायबिलिटी लेकर आती है वो भी आपको सोचना चाहिए। तो पैसे को किस तरीके से सही जगह लगाया जा सकता है जिससे उसकी वर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए, वेल्थ क्रिएशन हो जाए, वो बताती है ये बुक। एंड कहीं ना कहीं इसने मेरी आंखें खोल दी। इट वॉज आफ्टर रीडिंग दिस बुक दैट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो जरूरी है। सिर्फ पैसा या आइडल पैसा, आपके कैश जो आपके पास में पड़ा रहता है, चाहे वो कितना भी हो, वो एक्चुअली खराब ही होता है। सो साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको यही बताता है कि किस तरीके से आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो, ना कि आप रिच बन सकते हो। वेल्थ क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, रिच दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। यार लास्ट बुक जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं बात तो बहुत सारे बुक्स के बारे में करना चाहती हूँ, बट आज के सीरीज के लिए जो लास्ट या फिफ्थ बुक है वो है इकिगाई। ये एक्चुअली एक जापानीज लॉजिक है, एंड इसके ऊपर मेरी पूरी जिंदगी डिपेंडेंट है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन में हमेशा कहती हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ, एंड बाय पैशन में एक टीचर हूँ, और ये एक्चुअली इकिगाई से आता है। सो आपको पता है यहाँ पर ये बताता है कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, मतलब आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। बहुत बार लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ जिंदगी में करते रह रहे हैं, पर वो उनको या तो खुशी नहीं मिल रही है, या वो उससे पैसे नहीं कमा रहे, या उससे दुनिया का कुछ कह सकते हैं भला नहीं हो पा रहा, या फिर यू नो इट्स लाइक वो उसके अंदर अच्छे नहीं है, बस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कि चलो करें। इकिगाई कहीं ना कहीं इसी के बारे में बात करती है। आपको आपका पर्पस ढूंढने में ये मदद करेगी। आपको पता है हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको एक करेक्ट बैलेंस मिले, बट इस बुक की मदद से आप वो करेक्ट बैलेंस ढूंढ सकते हो।
इस बुक का ये कहना है कि सबसे पहले तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आप बहुत अच्छे होते हो, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने में आप काफी अच्छे होते हो, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करके आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आप इसके लिए करते हो क्योंकि उनकी दुनिया को जरूरत है, दैट मीन्स आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, ठीक है। और लास्टली कुछ ऐसे काम होते हैं यू नो जहां से आपके पास में पैसा आता है। अब इकिगाई ये चारों तरीके के काम का एक एडिक्वेट बैलेंस है। ये बैलेंस है पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन का, कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मैं अच्छी हूं और मुझे उसे करने में मजा भी आए, जिसकी जरूरत लोगों को हो और साथ ही साथ में उससे मुझे पैसे भी मिले। जब ऐसा होता है तो वो मेरी जिंदगी का पर्पस, मेरी जिंदगी का मकसद बन जाता है, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद आपको। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको एक हैबिट बिल्ड करनी चाहिए किताबों के साथ में दोस्ती करने की, उन्हें पढ़ने की। चाहे आपके पास नहीं टाइम है तो आप ऑडियो बुक्स के जरिए ही किताबें पढ़िए, पर कोशिश कीजिए कि आप जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं उतनी ज्यादा नॉलेज गेन करिए, जहां से भी हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।